जिधर T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा उधर BCCI से गांगुली की विदाई हो जाएगी। जय शाह के साथ कल तक फोटो खिंचा रहे थे, आज अमित शाह ने ही छुट्टी करा दी। सामने आया गांगुली का गम, खुद बोले मैं क्या कर सकता हूँ, एक न एक दिन तो जाना ही था। BCCI की बंद कमरे में हुई मीटिंग में क्या हुआ था और क्यों गांगुली को बाय बाय कह दिया गया, हर सच सामने आ गया है। तारीख 14 सितंबर 2022, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और हेडलाइन छपी कि सौरभ गांगुली और जय शाह अगले 3 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये खबर सच्चाई का जामा पहनती उससे पहले ही बड़ा खेल हो गया। जय शाह तो अपने पद पर बने रहेंगे लेकिन गांगुली की छुट्टी तय हो गई है। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी नए BCCI अध्यक्ष होंगे। अगर गांगुली टीम इंडिया के साथ अच्छा कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी तो वो कौन सी ताकत थी जिसने गांगुली का पत्ता साफ कर दिया। क्या क्रिकेट प्रशासन में कुछ समय पहले ही एंट्री करने वाले जय शाह ने गांगुली के साथ फोटो खिंचाते खिंचाते उन्हीं की विदाई का प्रोग्राम सेट कर दिया था। BCCI की बंद कमरे में हुई मीटिंग में अमित शाह की मौजूदगी में क्या कुछ हुआ इसका सच आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि BCCI में कौन से पद हैं जो सबसे अहम हैं। दरअसल BCCI में 5 बड़े पद होते हैं। ये 5 पद हैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी। सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट थे और जय शाह सेक्रेटरी। इन सबका कार्यकाल 3 साल का होता है, मतलब 3 साल पूरा होने पर दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। खिलाफ सौरभ गांगुली एंड टीम सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनकी मांग थी कि इसमें बदलाव किया जाए। फैसला पक्ष में आया जिसमें कहा गया कि BCCI में अब 2 बार लगातार पद लिया जा सकता है, जिसके बाद ये तय था कि BCCI में तमाम पदाधिकारी रिपीट होंगे। इस बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जय शाह तो रिपीट हुए लेकिन सौरभ गांगुली का पत्ता कट गया। इतिहास गवाह है कि BCCI का अध्यक्ष 2 टर्म के लिए कभी नहीं रहा। सौरभ गांगुली चेहरा तो थे लेकिन असल में पूरी BCCI जय शाह चला रहे थे। सौरभ गांगुली का जाना तय हो चुका था। खबरों की माने तो दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। वहां एन श्रीनिवासन ने सौरभ गांगुली के कार्यकाल पर सवाल उठाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात सामने आई, मतलब टीम इंडिया की स्पॉन्सर कोई और कंपनी है और खुद दादा किसी और कंपनी का प्रचार कर रहे थे। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात हुई, फिर तय हुआ कि गांगुली का पत्ता काट दिया जाए। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि जय शाह खुद नहीं चाहते थे कि दादा की 3 साल के लिए वापसी हो जाए। अब सौरभ गांगुली ने भी आखिरकार इस खबर पर चुप्पी तोड़ दी है। सौरभ गांगुली ने कहा, मैं 5 साल तक बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रहा, मैं 3 सालों से BCCI का भी अध्यक्ष हूँ। आपको हर चीज को छोड़ना और जाना होता है। मैंने एक प्रशासक के रूप में अपने समय का भरपूर आनंद लिया। आप हमेशा के लिए नहीं खेल सकते हैं और आप हमेशा के लिए प्रशासन में भी नहीं रह सकते हैं। एक प्रशासक के तौर पर आपको काफी योगदान देना होता है और टीम के लिए चीजों को बेहतर बनाना होता है। एक खिलाड़ी होने के नाते जो लंबे समय से इसके आसपास था इस चीज को समझ सकता है। मैं भविष्य में और भी बड़े काम करता रहूंगा लेकिन क्रिकेट के साथ पिछले 15 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।